दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपका अपना YouTube चैनल फिशिंग एंड ब्लॉग हिंदी में। दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, चारों तरफ जो है मच्छियां पानी के ऊपर भांस रही है। ये मच्छी क्यों और किस कारण से इस तरह भांस रही है और इस मच्छियों को हम क्या यूज कर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। उसके अलावा फ्रेंड, इस यूट्यूब चैनल में फिशिंग से रिलेटिव वीडियो आता रहता है, जैसे कि फिश शिकार करने के बैट, उसके अलावा फिशिंग टेक्नोलॉजी जितने भी है हम इस यूट्यूब चैनल में सिर्फ देते हैं। उसके अलावा कुछ फिशिंग ब्लॉग भी हम डालते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही फिशिंग से रिलेटिव वीडियो सिर्फ इस यूट्यूब चैनल में डालते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम इस मच्छियों को पहले ऊपर उठवाते हैं और ये देखिए फ्रेंड, छोटा छोटा स्नैक हेड का जो मतलब प्रजाति होती है वो वाली मच्छी है। आप इन मच्छी को क्या नाम से जानते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ पे बड़े मच्छी को सेम इसी प्रकार की जो होती है स्नैक हेड कहा जाता है, और छोटे मच्छियों को जो है हमारे यहाँ पे इस हमारे गांव में इस मच्छियों को जो है कुछ साठी, जी हाँ साठी गरई ऐसे मच्छी के नाम से हम जानते हैं। तो अब फ्रेंड आपको बता दें कि ये मच्छी जो है आखिर इस तरह से मर के पानी के ऊपर क्यों तैर रही है, क्यों भांस रही है। तो आपको बता दें फ्रेंड, इस नदी का यानी ये जो तालाब है, इस तालाब के आजू बाजू में चारों तरफ जो है धान की खेती होती है, और धान की खेती में जो दवाई यूज किया जाता है कीड़े को मारने के लिए, वो वाली दवाई का जो बॉटल है इस नदी में आकर के वॉश करके फेंक दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए जो है सारे मच्छियों को ये दवाई के वजह से जो है मार दिया गया, ये मच्छी सारा जो है मर चुका है। और इसके अलावा जितने मच्छी मतलब खाने के लायक थे उतने मच्छी को जो है लगभग बहुत सारे लोग, आपको मैं आइडिया से नहीं बता सकता हूँ, यूँ कह लीजिए कि 40-50 केजी से ज़्यादा मच्छी जो है उठा के लेके जा चुके हैं सभी, लेकिन ये मच्छी अभी लेने के लायक नहीं है, इसलिए जो है इसको अब लिया नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो दवाई है और दूसरा कारण है कि मच्छी लगभग बहुत ज़्यादा सड़ चुका है, अब इन्हें जो है मतलब यूज नहीं कर सकते खाने के लिए। लेकिन उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दूसरा इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, हम जो है आपको इस यूट्यूब चैनल में बताते हैं फिशिंग करने के लिए, जी हाँ फ्रेंड, फिशिंग करने के लिए जो है बैट के लिए यानी चारे के लिए। तो यहाँ पर जो आपको ये मरे हुए मच्छी दिख रहे हैं फ्रेंड, इन मच्छियों को आप जो है चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप इन देखिए चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ जो है इस तरह से देखिए बिल्कुल एकदम जैसे कह सकते हैं मक्खी की तरह या चींटी की तरह, देखिए एकदम बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई है। अगर इनको आप चुनने लगे तो पूरी रात हो जाएगी, इतना सारा मच्छी है, और इससे कई गुना ज़्यादा मच्छी जो है उठा के लेके जा चुके हैं सभी, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ जो है इतने ये इतने बड़े ये तालाब है और चारों तरफ मच्छी ऐसे ही जो है बिखरे पड़े हैं। तो जैसे कि आपको बताए, खाने के जो लायक थे सभी को पहले ही आदमी सब लेके जा चुके हैं, लेकिन ये अभी कुछ एक तो छोटा है और कुछ ज़्यादा ही सड़ चुका है, इसलिए जो है इनको अभी कोई लेता नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं आजू बाजू में अभी भी जिनको लगता है कि हम खा सकते हैं तो वो लोग लेके जाते हैं। वैसे हमने मना किए हैं क्योंकि इनमें एक तो दवाई है जो वो सेहत के लिए ऐसे ही हानिकारक है, और उसके बाद ये मच्छी सड़ी हुई है तो ये भी एक सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए जो है हम मना किए हैं कि इन्हें हाथ भी ना लगाए क्योंकि ये जहरीला है, इसलिए सेहत के लिए हानिकारक 100% ये हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो आपको हम बता दें फ्रेंड, हम बता रहे थे कि इनका हम दूसरा यूज क्या कर सकते हैं। दूसरा यूज फ्रेंड, जैसे कि आपको हमने बताया मच्छियाँ शिकार करने के लिए हम इस मच्छी को चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इस चारे को इस मच्छियों से आप जो है मतलब चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि आपको पता है पठान मच्छियाँ, जी हाँ फ्रेंड, पठान मच्छियों के लिए, या फिर आप टंगरा शिकार करना चाहते हैं इस तरह के मच्छियों के लिए, आप इस सड़े गले मच्छियों को ही उठा के लेके जाएंगे तो 100% जो है इससे जो है आप मतलब मच्छियां शिकार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब ऑलरेडी सड़ा हुआ है और ये जहरीला है, तो इसे हम खाने के रूप में तो उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन मच्छियाँ शिकार करने के रूप में यानी चारे के रूप में इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम कुछ मच्छियों को चुनवाएँगे, जैसे कि आप देखे हैं पहले कुछ मच्छियों को जो है अभी तक चुन करके रख लिए हैं, आपको मैं एंड में दिखा दूंगा, कुछ नहीं चुनते चुनते जो है बहुत ज़्यादा ही चुन लिए हैं। तो उनमें से जो मच्छी मतलब मुझे चारे के रूप में यूज करने के लायक लगेगा, क्योंकि हर मच्छियों को हम चारे के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ ही मच्छी होता है जैसे कि पुठिया, जी हाँ फ्रेंड, पुठिया, रैंची, इस तरह का मच्छियों को जो है हम मतलब मच्छियाँ शिकार करने के लिए मच्छी का ही चारा बनाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बाकी मच्छियों को जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं चारे के रूप में।
लेकिन हम आपको दिखा देंगे अभी कितने सारे मच्छियों को चुन करके रखे हैं। और जैसे कि आप तालाब में देख पा रहे हैं, ऐसे जो है मतलब कितने किलो होंगे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये तो वो है जो अभी आपको पानी के ऊपर में तैरता हुआ दिख रहा है। कुछ मच्छियाँ वो भी है अभी जो बाहर से आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नशे की वजह से वो भी पानी के नीचे बैठ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, चुनने के बाद में लगभग जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी 2-2.5 किलो से कम नहीं होगा। और इसके अलावा जो है ऐसे बहुत सारे मच्छियों को चुन चुन करके अलग अलग जगह फेंक रखे हैं। तो इनमें से हम जैसे कि आप देख रहे हैं पोठिया, रैंची, इस तरह की मच्छियों को हम चारे के रूप में उपयोग करने के लिए ले लेंगे छांट करके, और बाकी मच्छियों को हो सके तो हम यहीं पे फेंक देंगे वापस, क्योंकि ये मच्छी जो है जहरीला है, इनको घर ले जाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम इतना तो चुन लिए हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा अभी भी देखिए ये तालाब में जो है चारों तरफ कितनी सारी मच्छियाँ फैली हुई है। जिन्होंने भी जो है दोस्तों ये किया है, मतलब ये जो जहरीले पदार्थ जो भी है उन बोतल को जो है इस पानी में धोया है, आप बताओ कि इस मच्छी फार्मर का कितना सारा लॉस किया है अमाउंट। ये बहुत ही गलत हुआ जिनके भी साथ हुआ, तो ये जो भी किया वो तो बिल्कुल गलत किया है। आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दे फ्रेंड, क्या ये सही था जो भी इसने ये सब किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।